धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनते ही महाराष्ट्र का सियासी संकट थम गया। हालांकि देखिए, ठाकरे और शिंदे समर्थकों के बीच जुबानी जंग अभी भी जारी है। दो हफ्तों से भी ज्यादा दिनों तक चले महाराष्ट्र के इस सियासी ड्रामे में उद्धव ठाकरे की कुर्सी चली जाएगी, इसकी कल्पना शायद किसी ने की होगी। लेकिन ठाकरे के शपथ ग्रहण के दौरान ही कई ज्योतिषियों ने उनके सरकार गिरने की भविष्यवाणी कर डाली थी। विधायकों का एक गुट बागी क्या हुआ, रातों रात उद्धव ठाकरे के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि रातों रात मुख्यमंत्री आवास से बोरिया बिस्तरा बांधकर ठाकरे को मातोश्री शिफ्ट होना पड़ा। अब विधायकों के रूठने मनाने का दौर भी चला और आखिरकार शिंदे बीजेपी के साथ सरकार बनाने में कामयाब हुए। अब महाराष्ट्र के बाद किसका नंबर है, ऐसा इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि एक बार फिर सरकार गिरने की भविष्यवाणी सामने आई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक ऐसी भविष्यवाणी सामने आई है जिसे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की टेंशन बढ़ा दी है। असल में भोपाल के रहने वाले ज्योतिष अरविंद तिवारी ने झारखंड में सरकार गिरने की भविष्यवाणी की है, क्योंकि ये तो आप जानते हैं कि झारखंड में 2019 में विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कि हेमंत सोरेन की पार्टी है, उसने कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। लेकिन अब झारखंड की सियासत में बदलाव की अटकलें लगाई जा रही हैं। ज्योतिष पंडित अरविंद तिवारी ने भविष्यवाणी करते हुए ये बताया कि अगस्त के महीने में झारखंड की सरकार गिर सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि अगस्त महीने में झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार गिरेगी और भाजपा के सहयोग से एक नया चेहरा या फिर हेमंत सोरेन ही अपनी सरकार बचाने की कोशिश करेंगे। अरविंद तिवारी ने बकायदा देखिए अपनी इस भविष्यवाणी को ट्विटर पर ट्वीट किया है और अब सवाल ये उठता है कि आखिर किस आधार पर ये गणना हुई है। और इसी को लेकर ज्योतिष अरविंद तिवारी का ये कहना है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसकी राशि मकर है और शनि का प्रवेश वक्री गति से 13 जुलाई से इसी राशि में हो रहा है। वर्तमान में कांग्रेस की कुंडली भी बेहद कमजोर है। राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के प्रमुख तेजस्वी यादव की कुंडली भी वर्तमान में बेहद कमजोर बनी हुई है और इस बात की संभावना है कि कांग्रेस और आरजेडी तथा जेएमएम से विधायक टूटकर एक नया गुट बनाए और इसी गुट को अपने साथ मिलाकर भाजपा नई सरकार बना सकती है। तो इस वक्त देखिए हेमंत सोरेन की राजनीतिक कुंडली क्या कहती है, इसको लेकर भी पंडित अरविंद तिवारी ने बड़े बड़े खुलासे किए और उनकी कुंडली विश्लेषण को लेकर ये कहा, झारखंड में शिबू सोरेन के बेटे और वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जन्म 10 अगस्त 1975 को हुआ। हेमंत सोरेन ने 29 दिसंबर 2019 को झारखंड के सीएम के रूप में दूसरी बार शपथ ग्रहण किया था। हेमंत सोरेन की जन्म कुंडली तुला लग्न व कन्या राशि के जातक हैं। वर्तमान में उनके ऊपर शनि की महादशा चल रही है और 13 जुलाई के बाद शनि वक्री होकर मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिसके चलते उनकी सरकार को खतरा पैदा हो सकता है, जिससे अगस्त के पहले सप्ताह के बाद ही सोरेन की सरकार गिर सकती है और उनको भविष्य में भारतीय जनता पार्टी की मदद लेना पड़ सकता है या फिर बागी विधायक भाजपा को समर्थन देकर किसी दूसरे चेहरे को सीएम बनाने की मांग करेंगे। अब अगर पंडित अरविंद तिवारी की भविष्यवाणी सच होती है तो देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद की कुर्सी बचाने के लिए बीजेपी का समर्थन लेंगे या नहीं, ये तो देखिए वक्त बताएगा। फिलहाल तो उन्होंने पीएम मोदी के देवगढ़ दौरे की जानकारी दी है, बकायदा ट्वीट कर ये कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 जुलाई को देवगढ़ दौरे के मद्देनजर सर्किट हाउस देवगढ़ में मुख्यमंत्री ने आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में वरीय अधिकारियों के साथ चल रही तैयारियों की समीक्षा की। अब बताया जा रहा है कि महादेव की पावन धरती देवघर में आकर पीएम मोदी न सिर्फ देखिए एयरपोर्ट और एम्स का उद्घाटन करेंगे, इसके साथ ही साथ देखिए 1600 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। और यही वजह है कि देवघर के लोग पीएम मोदी के आने पर काफी उत्साहित हैं। अब महाराष्ट्र के देखिए सियासी तूफान से पहले महाराष्ट्र की धरती पर पीएम मोदी ने संत तुकाराम की मूर्ति और मंदिर का उद्घाटन किया था और अब बाबा बैद्यनाथ की धरती पर पीएम मोदी का ये दौरा झारखंड में कौन सा सियासी भूचाल लाएगा, ये देखना बाकी है।
अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है, इमारत बना रहे हैं कि इतिहास बना रहे हैं? इतिहास बना रहे हैं। सबको मालूम है, लोकतंत्र का मंदिर बना रहे हैं। हैं? आपको पता है सबको? जी सर। तो काम करने के लिए उसमें क्या फर्क, मकान बनाते हैं और ये बनाते हैं, तो काम करते समय क्या फर्क होता है? घर वालों को पता था, पूछते होंगे क्या कर रहे हो, कैसा बन रहा है? जी सर। तो लोग कहते हो यार फोटो तो ले आओ, दिखाओ हमको। हैं, ऐसा करते हैं। आपको राशन मिल जाता है क्या? जी सर। वो वन राशन का वन नेशन कार्ड है, उस कार्ड से मिल जाता है? जी सर। और क्या आपको लगता है कि हाँ हमें यहाँ आए तो ये मन को अच्छा लगा है, सर कौन सा बात बताए? सर बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि से सबरी माँ को कुटिया में गए थे राम भगवान, वैसे हमारे कुटिया माँ पाए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। वाह वाह, ये तुम्हारा कुटिया, वाह का कुटिया सर, मंदिर है सर, देश के हर गरीब को भी लगना चाहिए उसका कुटिया है। जी सर, उसका मंदिर। बड़ा बढ़िया बात बताया आपने, आपके आने से उत्साह बहुत बड़ा है और भी उत्साह के साथ काम करें। नहीं नहीं, उत्साह तो आप लोगों ने हमारा बढ़ा दिया सर, और बढ़ा है। आप लोगों ने समय पर काम किया है सर, हमें गर्व है इस प्रोजेक्ट पे काम करना सर। तो आप में तो किसी को कोरोना वोरोना की दिक्कत नहीं है? नहीं सर, सब नियमों का पालन किया सर। अच्छा, वैक्सीनेशन हो गया सर? जी सर, दोनों डोज हो गए? दोनों डोज। मेरा बूस्टर डोज भी हो गए? बड़े जागरूक हो। चलिए, मेरी आपको आपके परिवार वालों को बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप एक प्रकार से सिर्फ मीट माटी पत्थर का काम नहीं कर रहे, आप देश के गौरव को एक बहुत बड़ी भैंस होकर देने वाले। जी सर, बड़ा मैंने आपको गर्व होना चाहिए। चलिए, बहुत शुभकामनाएं, मेहनत रंग लाएगी।